सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की सदन में रखी मांग। बुंदेलखंड के हमीरपुर महोबा से सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने सदन में संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की मांग की। यहां ये ध्यान देने योग्य बात है कि देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है और राजभाषा के रूप में हिंदी को संवैधानिक मान्यता है। देश को विकसित बनाने में परंपराओं, सामाजिक व्यवहार, देश की मूल सोच के सही ज्ञान का होना जरूरी है और जब अमृत काल में 2047 तक भारतवर्ष को विकसित बनाना है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत की आत्मा को जाना जाए और ये संस्कृत के ज्ञान और प्रयोग के बिना संभव नहीं। संस्कृत को जन जन पहुंचाकर उसके व्यावहारिक प्रयोग को बढ़ावा देकर विकास के अन्य कारकों के बीच संतुलन बनाकर भारतवर्ष को पुनः विकसित बनाया जा सकता है। क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि जिस प्रकार सांसद द्वारा क्षेत्र के विकास के सफल प्रयास किए जा रहे हैं उसको देखकर लगता है कि इस अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और सांसद का ये प्रयास भी सफल होगा। महोबा से हेमंत गोस्वामी की ये रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। कुनवर पुष्पेंद्र सिंह चंदल। धन्यवाद सभापति महोदय। वर्तमान में भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। आधिकारिक भाषाओं के अलावा संविधान 22 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देता है जिनमें अनुसूचित भाषाओं के रूप में हिंदी शामिल है लेकिन अंग्रेजी नहीं है। भारत वर्तमान में अपनी आज़ादी के अमृत काल में है और उसके सामने वर्ष 2047 तक भारत को पुनः विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और सर्वविदित है कि अतीत के बोध के बिना भविष्य का निर्माण संभव नहीं है तथा यह तब उस अवस्था में और भी प्रखर हो जाता है जबकि भारतीय संस्कृति सनातन है और उसके प्रवाह में कोई टूटन नहीं है, उसमें निरंतरता है। यदि राष्ट्र को एक महान लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है तो उसके सभी अंगों में समरसता आवश्यक है एवं इस समरसता की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन संवाद है। संवाद स्थापना के अनेक उपाय हैं पर उसमें नैसर्गिक उपाय तो भाषा ही है। यद्यपि आज के समय में देश में अनेक भाषाओं का प्रचलन है पर भारतीय संस्कृति में सामाजिक जुड़ाव की जो क्षमता संस्कृत में है वह किसी अन्य भाषा में नहीं है। मनुष्य के सामान्य व्यवहार तो अन्य भाषाओं के माध्यम से किए जा सकते हैं पर जब लक्ष्य भारत को विकसित बनाना हो तो भारत के अतीत दर्शन, सामाजिक व्यवहार और इसकी सांस्कृतिक सुगंध का ज्ञान संस्कृत के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। और तब जब यह भाषा न सिर्फ भाषा विज्ञान की कठिनतम कसौटी में सर्वोत्कृष्ट है अपितु विश्व शांति, संपूर्ण मानव जाति के समग्र विकास जैसे मानवीय मूल्यों का हिमालय के उच्च मानस क्षेत्रों से उच्च स्वरित उद्घोष भी करती है। भारत एक राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाली, राष्ट्र के भविष्य का मार्गदर्शन करने वाली, भारत की वाक प्राण शक्ति संस्कृत भाषा को हिंदी राजभाषा के साथ राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए और इसके जन जन तक प्रसार और व्यवहारिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।